वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूज, वेलकम टू मेड बाय मी। आज मैं बनाने जा रही हूँ इस प्रिंटेड फ्रॉक से खूबसूरत सी सर्कल फ्रॉक, जिसके नीचे हम जो है गैदर्स भी देंगे और ये हम जिसके नीचे हम जो है गैदर्स भी देंगे स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने आपको ये सेट करके रखा भी, तिकोना बता देती हूँ हमें कितना लेना है। ये हमने अभी जो साइज लिया हुआ, ये हमने लिया हुआ है 26 इंच। ठीक है, ये पूरा हमारा 26 इंच है। हम यहाँ से ही निशान लगाना शुरू करेंगे अपने 26 इंच से। ये देख रहे हैं आप, ये इसी कोने से हम निशान लगाएंगे पूरा। ये देख रहे हैं पूरा हमने निशान लगा लिया। अब पहले हम सबसे पहले इस पीस को अपने काट के निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पीस हमारे बचा है, इससे हम इसकी नीचे की गैदर्स निकालेंगे। उससे पहले हम ऊपर का अपना सॉल्व करते हैं कि हमने कितना कितना लेना है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मुझे लूंगी मैं, ये हमारा पूरा आ गया है ये कोन की शक्ल का। अब यहाँ से हम सेट करेंगे अपना, ये हमें लेना है यहाँ से 9 इंच के करीब। ये देख रहे हैं आप, ये रहा हमारा 9 इंच। ये पूरा पहले मैं ये काट के निकाल लूंगी अपना। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह ये हमारा एक रेबी पूरा फ्रॉक टाइप स्टाइल का निकल गया। अब यहाँ से जो है हमें इसका लेना है 1 इंच के करीब, हम इसका आर्म होल लेंगे। ये देख रहे हैं आप इसको, और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 2 इंच के करीब और इसको इस तरह मैं बना दूँ काट दूंगी। और काटने के बाद हम इसे, ये हमारा आर्म होल हो गया है, ये देख रहे हैं आप। देख रहे हैं ये इस तरह हमारा ये पूरा लुक आया, ये हमारा ये है। अब जब हम इसको फ्रॉक को करेंगे तो यहाँ में हल्की सी चुनर डालेंगे। ठीक है, और डालने के बाद नीचे हम गैदर्स लगाएंगे। और ये हम, मैं साइज़ बता दूँ आपको, ये हमारे कितने साल के बच्चे का होगा। यहाँ से हम 2 इंच के करीब हमारी पट्टी होगी ऊपर की, 2.5 इंच के करीब। और ये हमारा 19 इंच है और हम 3 इंच की रखेंगे, 22 इंच की फ्रॉक बनेगी जो कि आराम से 5 ईयर की बेबीज़ के लिए काम आएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको बाकी आपको बता दूँ कि हमें इसकी फ्रिल काटनी है, जो हम काटेंगे तकरीबन 1, 2, 3, 4 इंच की काटेंगे ऊपर नीचे सिलाई के बाद, हमारे पास 3 इंच बचेगा। और इसकी पट्टी हम निकालेंगे 2 इंच की और वो पूरी यहाँ से आएगी हमारी। आप देख रहे हैं मैंने फ्रिल काट के अपनी इसको सेट करा है, क्योंकि इसमें जोड़ आया है 2-3 जगह हमारे, तो ये हमने जो है ये 4 इंच की मैंने काटी है। और इसकी जो ये वाली लेंथ है ये तकरीबन 30 इंच है, ये तो ये जो है 120 इंच होगा, 120 इंच की हमारी पूरी ये फ्रिल है। क्योंकि हमारा जो नीचे का हिस्सा जो है वो गोलाई में है, सर्कल एरिया है, तो जाहिर सी बात है हमें बड़ी फ्रिल चाहिए होगी। ये हमने इसको कंप्लीट करके रखा है। अब हम अपनी ये फ्रॉक लेंगे। ठीक है, ये हमने लिया है, ये आप देख रहे हैं हमने अपनी फ्रॉक सेट करी है, ये देखिए। अब उसके बाद जो है ना, हम सबसे पहले इसकी साइटें सियेंगे। ठीक, सबसे पहले ये हम दोनों तरफ की साइटें सी लेंगे। साइटें सीने के बाद जो है ये जो हमारा आर्म होल है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लें, या आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने 9 इंच के करीब जो है अपनी बेल ली है, ये मैं गले पे लगाऊंगी इसके। यहाँ पर ये जो हिस्सा हमारा है, ये हमने ये जो इसका जो आर्म होल था इसको इस तरह पाइपिंग लगा के रेडी कर लिए दोनों साइडों पर। और ये हमारा जो है ये हम लेंगे, ये देख रहे हैं हमने छोटा सा हिस्सा लिया है 4.25 इंच, और इसको भी हमने इस तरह गुलाई कर ली है हल्की सी, बिल्कुल हम इस तरह इसका सेटअप करेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है आपको सेटिंग करके बताते हैं। सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे और ये जो है हम दोनों तरफ जो है सिर्फ हल्की सी चुन्नट इन साइडों पर डालेंगे। ये देख रहे हैं आप हमारी, यहाँ पे हमारी चुन्नटें डलेंगी सिर्फ इस साइड पर। ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की सी यहाँ से हम डालना शुरू करेंगे इस तरह। और यहाँ पे जो हमारी चुन्नट आएगी इसमें, और फिर उसके बाद हम इस साइड पे भी डालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये रहा हमारा हिस्सा, ये
देख रहे हैं आप इस तरीके से, हम इस यहाँ पे भी चुन्नट डालेंगे इसको। ये देखें ये दोनों तरफ हो गया। अब इसको हम हल्का हल्का से यूँ करके सेट कर देंगे। अब चूंकि ये हमारे पीस जो है, ये जो गले का हिस्सा ये हमारा बड़ा है, इसे हमें रखना है तकरीबन, ये देखें आप ये हमारे पास आ रहा है इस वक्त 13 इंच के करीब, ठीक है। अब ये हमें रखना है अब 8 इंच, ठीक यहाँ तक लाना है। तो जो ये 8 इंच के बाद जो इतना इंच हिस्सा आ रहा है, वो हम हल्के हल्के से इसको चुन्नट देंगे इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप हमारी इस तरह चुन्नट आएगी, ठीक है। ये और ये हमारा ऐसे गुलाई में ये चीज़ इस तरीके से आएगी, देख रहे हैं आप इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसमें चुन्नट लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम ऐसे बारीक से चुन्नट दे के 2.5 इंच के करीब इसको रेडी करेंगे। ये देख रहे हैं आप इसको, इसको हम हल्के हल्के से चुन्नट देंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम इसे तकरीबन 2.5 इंच, 2.5 इंच के करीब रेडी रखेंगे। ये देखें, या 3 इंच कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेंगे, तो इतना हम रखेंगे इसको हल्की हल्की सी चुन्नट देने के बाद। ये हमारा इस तरह से लुक आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इसे हम पाइपिंग की मदद से हम इसको किस तरह लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे भी चुन्नट दे देंगे इस तरीके से, बैक साइड पे भी 8 इंच के करीब लेके आएंगे हम इसे। बैक साइड पे हमारे जो है वो बेल लेंगे, सिर्फ फ्रंट पे बेल लगाएंगे, ये हमारे आस्तीनों पे साइड पे आएगी इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको रेडी करते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी बेल इस तरह लग गई है, ठीक है। और ये मैंने जो है 3-3 इंच की जो है अपनी ये जो बेल थी हमारी, उस पर चुन्नट डालकर इस तरह कैप स्लिप टाइप का ये जो हमारी हमने ये जो बेल ली थी, इसको हमने 3 इंच का चुन्नट डाली बारीक बारीक से गैदर्स डाल के, इसको कैप स्लिप का स्टाइल दे दिया है। अब हम इसे किस तरह लगाएंगे आपको मैं बताती हूँ। ये हमारे पास पाइपिंग कटी हुई है 1 इंच के करीब, 1.25 इंच के करीब। अब हम इसको यहाँ से बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा आगे करके। आप देख रहे हैं ये हमने पाइपिंग पूरी अपनी बैक साइड की पूरी कंप्लीट करी है, जहाँ पर ये आर्म होल के पास ये ख़त्म होगी, वहाँ पर हम ये अपनी पीस इसको अंदर इसकी पाइपिंग के अंदर एडजस्ट करेंगे और वहाँ पर हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट करा हुआ पूरा। ये देख रहे हैं आपको नज़र आ रही है बैक साइड का हमारा कंप्लीट हुआ था पाइपिंग, उसके साथ ही हमने बैक साइड की पाइपिंग हमारी ख़त्म हुई थी, उसके साथ ही हमने जो है अपनी जो ये छोटी सी आस्तीन टाइप की हमने बेल की बनाई हुई वो हमने लगाई है। जब वो ख़त्म होगी उसके बाद हम अपने फ्रंट का जो हमारा ये हिस्सा है आर्म होल से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने बैक साइड की पाइपिंग कंप्लीट करी है। ये देख रहे हैं इस तरह से ये हमारा जो है सेटअप हो गया है पूरा, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारी आस्तीन स्लीव है, ये इस तरह आएगी और दूसरी भी हमारी ये इस तरह आई है। अब ये जो हमारा लास्ट का जो पीस हमने छोड़ा था, अब यहाँ से हम मिला के इस पर मशीन चला देंगे इस तरीके से, और ये खुद ब खुद जो है ये पूरा सेटअप हो गया हमारा।
ये देख रहे हैं, ये हमारा दोनों तरफ का सेटअप हो गया और यहाँ तक हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें सिर्फ अपने नीचे जो है घेर हमारा है उसके अंदर हम गैदर्स लगाएंगे। ये हमारे पास गैदर्स रेडी है, ये हम इसके ऊपर गैदर्स को हल्की हल्की सी चुन्नट दे के नीचे हम पूरे में लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। ये सर्कल चिकन बेल के साथ हमने इसको बनाया है, सर्कल स्टाइल है हमारा। नीचे हमने ये थोड़ी सी गैदर्स डाली है और उसके बाद जो है ये तकरीबन हम 5 से 6 ईयर्स की बेबीज़ आराम से पहन सकते हैं, और अगर जो ऊंचा पहनाना चाहें इस फ्रॉक को तो वो 7 ईयर्स की बेबीज़ भी पहन सकती हैं। और ये फ्रॉक बहुत आसान है सीना, आपको मैंने कितनी जल्दी बना के दिखा दी है ये फ्रॉक। अगर आपको फ्रॉक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.